इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए एक और कहानी और एक और यू नो द प्रीमाइस बेसिकली अनपॉज्ड एंथोलॉजी, जहां पर अलग अलग कहानियां हमें देखने को मिलेंगी और उनमें से एक कहानी है द कपल। और आई थिंक नुपुर से बेहतर कौन हो सकता है इस कहानी को एक सिनॉप्सिस के तौर पर हमें बताने के लिए। तो द कपल कहानी है एक कपल की, एज इज ऑब्वियस। और इस कपल की शादी हो चुकी है, साथ रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं पैंडेमिक में। और एक दिन पता चलता है कि आकृति, श्रेया का कैरेक्टर, इज लेड ऑफ फ्रॉम हर कंपनी। एंड इससे उसकी जो सेल्फ एस्टीम, उसकी जो एक सेल्फ वर्थ जो है वो बिल्कुल शेक हो जाती है। एंड वो क्लियरली वो एंक्शियस और अपने आप को बहुत क्वेश्चन करती है। एंड उसके साथ जो उसका हस्बैंड है डिपी, पोर्ट्रेट बाय प्रियांशु, उनका जो रिलेशनशिप है, इससे जो उनके रिलेशनशिप पे जो प्रभाव पड़ता है, वो कैसे, जो प्रेशर पड़ता है, वो कैसे इससे नेविगेट करते हैं, कैसे इससे जूझते हैं और कैसे इससे बाहर आते हैं, ये कहानी है हमारी फिल्म की। और ये कितना सच है, ये इस पैंडेमिक में हमने ऐसी कितनी ही कहानी, अब इसको क्या कहूँ, ये तो सच्चाई बन चुकी थी जिंदगी में। बिकॉज हर चीज कहते हैं ना कि हर चीज वो बेड ऑफ रोजेस नहीं होता है। जब आपको तकलीफों का सामना करना पड़ता है, देन यू रियली गेट टू नो कि भाई जिंदगी क्या है। इस फिल्म का ये भी है कि ये भी एक सच्चाई है कि जो लोग ले ऑफ हुए थे, जितने लोग, उसमें से ज्यादातर महिलाएं थी जो जिनकी जॉब्स गई, तो ये भी हम हाईलाइट करना चाहते थे और ये इस फिल्म में होपफुली खूबसूरती से बताया है। जी बिल्कुल। और श्रेया, श्रेया इज लाइक ऑल स्माइल्स नाउ बिकॉज़ शी इज टॉकिंग अबाउट अ फिल्म, बट अगर मैं किरदार की बात करूं तो ये किरदार जीना, इस किरदार के जरिए आप उन महिलाओं को कितना समझ पाई हैं जिन्होंने सचमुच अपना जॉब खोने के बाद, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो एक आपका एक होता है कि भाई मतलब आप खुद की कमाई और खुद का एक स्टैंड होता है, वो आप खो देते हैं। तो वो व्हेन यू गो थ्रू दैट, अगर आप वो मनोदशा अगर आप बता पाए। नहीं, आपने सही पॉइंट पकड़ा एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए, हमारे लिए भी, हमारा काम, हम जो करते हैं वो हमारा आइडेंटिफायर बन जाता है। हम उसी की वजह से, मतलब हमें सपोर्ट मिलता है, हमें करेज मिलता है, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सब हमारे काम पे डिपेंडेंट हो जाता है एक तरह से। और जब ये सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारे कपल्स मतलब ये फेस करते होंगे, स्पेशली पैंडेमिक के दौरान सब वर्क फ्रॉम होम करते थे, और हमारे रिसर्च में, क्योंकि मैंने भी वो आर्टिकल्स पढ़े थे जहाँ ज्यादातर औरतों के साथ ये हुआ है, जहाँ पे सब जब ले ऑफ हो रहे हैं, जब ले ऑफ डिसाइड हो रहे हैं कंपनी में, मोस्ट ऑफ देम यूज्ड टू बी वुमेन। और फिर वो पोर्ट्रे करना, क्योंकि ये बहुत, मतलब हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सब अगर हमारी आइडेंटिटी से जुड़ जाए तो इट बिकम्स मोर देन जस्ट लाइक अ क्वाइट जो होता है, और जो भी दिखाने के लिए कोई है नहीं घर पे, अगर पार्टनर है तो उनपे शायद आ जाता है, अगर फैमिली पर उन पे आ जाता है, पर आपको घर का काम भी संभालना है और आपको फाइनेंसेस भी हैंडल करने है, पता नहीं पैंडेमिक कितना लॉन्ग होने वाला है, यू हैव नो आइडिया। तो ये सब हम, मतलब 20 मिनट में हम जितना दिखा सकते थे वो हमने कोशिश की है, एंड होपफुली पीपल विल आइडेंटिफाई विद दिस। पर हाँ, आई मीन डिस्क्राइब करना कि वो जो जब होता है, वो व्हेन यू लूज समथिंग दैट इज सो प्रेशियस, That is so defining for you. वो कैसे होता है, मतलब जब आप खुद वो महसूस करते हैं, तो exactly, जब आप खुद उस दौर से गुजरते हो। प्रियांशु, जब आप एक कपल है जहां पर जब आपको पता है कि आपकी पत्नी वो भी काम करती है एंड शी इज ऑल्सो सपोर्ट टू द फैमिली, अगर मैं सिर्फ पैसों को परे रखूं कि भाई पैसे की बात नहीं होती, ये उसकी इज्जत की भी बात होती है, वो भी घर आकर के वही सब बातें करती है जो आप घर आकर के करते हो। सो वो जब कैमरा दी होता है, वो जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो एक लड़की के अंदर भी होता है, वो जब खो जाता है,
हैव यू हर्ड एनी ऑफ द स्टोरीज लाइक अपने आसपास अपने दोस्तों को लेकर, या कोई ऐसी बात जो आपने भी सुनी हो और महसूस किया हो? जी देखिए, आई थिंक जो दो साल अभी जो हमारे दो साल होने ही वाले पैंडेमिक में, ये इस समय के टाइम पे सबके साथ, बहुतों के साथ ये सब हुआ था। मैं काफियों को जानता हूँ जिनके जॉब्स चले गए थे, जो हम स्ट्रगल कर रहे थे, एंड ये एक्चुअली किसी नॉर्मल टाइम पे होता, जब पैंडेमिक नहीं होता तो शायद आप अपने आप को भी संभाल पाते हैं। ये कोविड के टाइम पे क्या हो रहा था कि आपको पता नहीं था कि कब तक हम इस सिचुएशन में रहेंगे, कब तक हमारे, वैसे भी हम एज एन एक्टर्स हमें नहीं पता होता कि हमारा अगला प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, कब शूटिंग शुरू होगी, अनसर्टेनिटी हमारे फील्ड में तो वैसे ही रहती है। लेकिन जो इनफैक्ट जो नॉर्मल जॉब वाले लोग थे, उनके लिए अगर वहाँ जॉब चला जाता था, अब आप बाहर तो जा नहीं सकते, लोगों से बात कर नहीं सकते, तो आप अपने पार्टनर के साथ ही सब कुछ शेयर करते हैं, अपनी फैमिली के साथ सब कुछ शेयर करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि ये नॉर्मल टाइम पे अगर होता, किसी को ले ऑफ किया जाता, किसी को फायर किया जाता एक जॉब से, तो आप अलग तरीके से डील करते, आप अपने आप को समझा सकते थे, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते थे। फिजिकली एक बाहर जाके इंसान थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, माइंड थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन यहाँ बैलेंस करने के लिए अपने आप को ही एक ही कमरे के अंदर हो, एक ही घर के अंदर हो, अब दूसरा बंदा भी जो आपको बैलेंस करना चाहता है, जो मेरे कैरेक्टर है दीपिका, उसकी भी लेकिन अलग ही इमोशनल टर्मोइल्स चल रहे हैं, उसकी भी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसकी भी चीजें चल रही हैं दिमाग में, और ये इतना रोलर कोस्टर टाइम था सबके लिए। और ऑल्सो जो हम बाहर की जो न्यूज थी जो हमें इफेक्ट कर रही थी, हम बैठे बैठे न्यूज सुन रहे थे, हमें उन सब चीजों से बहुत इफेक्ट हो रहा था। आप अपने आप अंदर से कुछ आपके साथ चल रहा है, आपके रिलेटिव्स के बारे में कुछ चल रहा है, बहुत सारी दुनिया की ये चल रही है, आप कैसे अपने आप को संभालो या सामने वाले को संभालो, मुझे लगता है वो पैंडेमिक के टाइम में बहुत ट्रिकी हो गया था। इसलिए आपने स्टार्टिंग में जो कहा बहुत सही लगा मुझे कि ये कहानी नहीं है, एक्चुअली देखा तो हम बस एक रियलिटी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 20 मिनट के अंदर एक ड्रामा है कपल के बीच में जो एक्चुअली बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। जी बिल्कुल नुपुर, ये बात मतलब वन ऑफ दीज थिंग्स लाइक ये एक कपल की कहानी है, बहुत अलग अलग सिचुएशंस में लोग, जैसे प्रियांशु ने कहा कि एक्टर्स के तौर पर भी यू नो यू नेवर नो कि कब शूट शुरू होगा, काम कैसे करेंगे, बंद कमरों में भी बहुत काम हुआ है लेकिन वो भी एक लिमिटेड लिमिटेशंस के साथ हुआ था। ऐसे में नुपुर, ये कहानी, ये बात सामने रखना, ये आपके जहन में क्यों आया? व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट? आई वांट टू नो। आई थिंक ट्रिगर पॉइंट ये था कि ले ऑफ्स हो रहे हैं लेकिन औरतें ज्यादा लूज कर रही है, ये मुझे बड़ा इस पे गुस्सा आया था थोड़ा कि ये बहुत अनफेयर है, मतलब हाँ, मतलब ये भी इसमें भी मतलब क्या है यार, यू नो इसमें भी, तो ये ट्रिगर पॉइंट था। और फिर इट फाउंड इट्स होम इन द स्टोरी ऑफ अ कपल, दिस एस्पेक्ट, यू नो, तो आई मीन बस ऑर्गेनिकली बढ़ती गई कहानी में, लिखती गई बढ़ती गई, यू नो। श्रेया, एक चीज जो अगर आप, मैं कहूँ आज, चलो हम एक बेहतर सिचुएशन में है, एक बार फिर से कोविड हमको, हमें झेलने को मिल रहा है, लेकिन जो वक्त गुजरा है उससे मतलब यू नो इतना बुरा नहीं है, तो जो वक्त हमने खो दिया या जो वक्त दो साल हमने जिंदगी के खो दिए, उसे आप किस तरीके से देखती हैं? एक्चुअली हमने ये बहुत डिस्कस किया है, पर I don't think मैं I'm the right person to talk about this, क्योंकि हम अगर बात भी करेंगे इसके बारे में तो हम बहुत प्रिविलेज पोजिशन से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास घर था, घर है, और यू नो लव पास है, और अगर एक्सेस भी चाहिए हेल्थ केयर के, यू नो फंड्स है, ऑल ऑफ दैट इज देयर, तो जो कि बहुत सारे लोगों का रियलिटी नहीं था, नहीं है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं कि शायद इस बार थोड़ा माइल्ड है, और जिन लोगों को मैं जानती हूँ जो टेस्टेड, जो अभी अभी पॉजिटिव टेस्ट हुए, वो अभी अभी भी बोल रहे हैं कि यार जिन्होंने माइल्ड कहा था मैं उनको माइल्ड से थप्पड़ मार लूं तो उतना माइल्ड है नहीं, तो आई मीन ओनली द पीपल हु गोइंग थ्रू दिस विल नो, क्योंकि वही समझ पाएंगे एग्जैक्टली, क्योंकि हम तो मतलब जैसे कि प्रियांशु भी ने पहले कहा था कि हम तो रील्स बना रहे थे, बेकिंग सीख रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, वी वर वेरी हैप्पी टू स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली एंड लव्ड वंस, तो आई जस्ट होप कि पीपल आर सेफ एंड दे कंटिन्यू टू बी सेफ, और इस साल भी मतलब इतना बुरा नहीं जाएगा क्योंकि ये पहला महीना है, we just started the new year, तो hopefully we'll be smarter. So to conclude, प्रियांशु, आप इस पूरे पैंडेमिक को लेकर एक कोई सी कोई बात, कितना बदल दिया इस पूरे दौर ने आपको, अगर आप कह पाए? मैं तो यही कह रहा हूँ बार बार कि मुझे लगता है कि मुझे एक ठहराव आ गया है, और क्योंकि हम बस भागा दौड़ी में लगे हुए थे पहले,
पैंडमिक की वजह से बहुत लंबा एक ठहराव आया, जिससे फिर अपने आप में एक वैल्यूज समझ आ गई कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं अपने लव वंस फैमिली, जिनको जैसे श्रेया ने भी कहा कि हम लोग प्रिविलेज थे लेकिन जो सपोर्ट चाहिए था, तो इन लोगों के सपोर्ट से थैंकफुली इवन दो डिजिटली भी चाहे हम उनके साथ थोड़ी देर बात कर लेते थे तो हम नॉर्मल फील करते थे। मतलब मैं भी सब बॉम्बे में ही था उस टाइम पे, मेरे पास भी कोई और लोग थे नहीं आसपास, पर सिर्फ दोस्तों से बात करना, अपने पार्टनर से बात करना, अपने फैमिली से ऑनलाइन बात करने से थोड़ा ठीक अच्छा फील करते थे। तो मुझे लगता है वो वैल्यू करना समझ गया हम छोटी छोटी चीजों को। अब जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे एक एक किसी एक रेस्टोरेंट में जाके वो वैल्यू करता हूँ कि मैं अपना फोन साइड रख देता हूँ, मैं उस 10-15 मिनट में ही ध्यान देता हूँ, मैं वो खाना खाने में ध्यान देता हूँ, या मैं अगर कहीं जैसे मतलब हम लोग अब मूवी देखने के लिए, मैं बहुत बड़ा फिल्म बफ हूँ और सिनेमा थिएटर में आई एम श्योर ऑल ऑफ अस हम लोग पसंद करते हैं। जब बीच में फाइनली टाइम मिला था कि जाके 50% ऑक्यूपेंसी में देख के आओ, तो मैं तो सबसे पहले खड़ा हो गया था वहां जाके। अब वो एक एक चीज जो आप आई थिंक ग्रांटेड ले रहे थे अपने आप को, अपने लाइफ को, अपने हेल्थ को, आई थिंक उन सबको वैल्यू करना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का। और एक होप के साथ वापस कहेंगे कि अब जो तीसरा वेव है वो भी जल्दी से चला जाए और वापस हम एक नई जिंदगी शुरू करें। और जिस तरह की सोच लेकर नुपुर आप आगे आई हैं, शॉर्ट फिल्म है लेकिन कहते हैं ना कि छोटी छोटे समय में भी जब आप कह देते हो जो कहना है और वो कन्वे हो जाता है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने जोईता, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स, बाय।